कि जो पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं वही पेड़ पौधे मांसभक्षी कैसे बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में जो मांसभक्षी और शिकारी हैं और किस तरह से ये शिकार करते हैं। आप देख रहे हो वर्ल्ड नीड्स टू नो। लगभग 600 ऐसी प्रजाति पाई गई है जो दूसरे प्राणी को अपना शिकार बनाती है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने की वजह से और पोषक तत्व की भरपाई के लिए इन पौधों को ऐसा करना पड़ता है। वो तरह तरह के जाल बिछा के छोटे छोटे जीव और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। सरासिनिया, ये एक चमकदार कीड़ी खाने वाला शिकारी पौधा है जो उत्तर अमेरिका के दलदल और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। सरासिनिया के फूल उज्जवल होते हैं और एक फनेल की तरह सीधे ऊपर उठे हुए होते हैं। फनेल के नीचे से एक मीठा रस निकलता है जो नीचे जमा होता है और इस रस को पाने के लिए कीड़े मकोड़े और मधुमक्खी फूलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते क्योंकि फूलों के अंदर की रेसे अंदर की ओर होते हैं और फिसलन भरी होते हैं। फूल के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकती है। कीड़ा अंदर फंस जाता है तो फनेल के नीचे तरल में घुल जाता है और सरासिनिया उस पतंगों के अंदर से पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन चूस लेता है। नेपेंथिस, नेपेंथिस या उष्णकटिबंधीय पीचर एक मांसाहारी पौधा है जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस का उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से एक लता के रूप में बढ़ता है। इस पौधे का 80 प्रजातियां है। इसका नाम अपने पत्तों के विशेष रूप से मिलता है जो एक मटके की तरह दिखता है। इसका और एक मजेदार नाम मंग है जो एक जापानी शब्द है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बंदर अक्सर इसी से बारिश में इकट्ठे हुए पानी को पीते हैं। इन पौधों के मटके इतने बड़े होते हैं कि मेंढक, चूहे और यहाँ तक के छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि ये कीट पतंगों को पसंद करता है। इसके मटके के अंदर ग्रंथियां होती हैं, जो नेक्टर नाम की चिपचिपे एक तरल पैदा करती है जो कीट पतंगों को लुभाती है। इसके अंदर की दीवार बहुत फिसलन भरी होती है जिससे कि कीड़े बाहर न आ सके और वो उस तरल में डूब कर मर जाते हैं।